मास्टर स्ट्रोक में देश की राजनीति के मुफ्त मार्ग की समीक्षा करना जरूरी है। देश में चुनावों का मौसम आते ही राजनीतिक पार्टियां मुफ्त सुविधाएं देने का ऐलान करने लगती है, आपको तो पता ही है। मुफ्त में कोई चीज मिले लोग उसे लपक भी लेते हैं, लेकिन भारतीय समाज में ही मुफ्त के माल पर ऐसी कहावतें हैं जो उसे एक बुराई की तरह पेश करती है। जैसे कहा जाता है, माल ए मुफ्त दिले बेरहम। इसी तरह हम कई पीढ़ियों से एक कहावत और सुनते आ रहे हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आज देश में राजनीति के फ्री कल्चर पर बहस हो रही है, पीएम मोदी भी इस पर चिंता जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, मुफ्त चुनावी वादे और जन कल्याणकारी योजनाओं में फर्क है। राजनीतिक दल घोषणा करते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि योजना पूर्ति के लिए पैसा कहां से आएगा। सत्ता के लिए राजनीतिक दल अवैध चीजों को वैध कर देते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बीते कई दिनों से राजनीति के मुफ्त कल्चर पर तकरार चल रही है। आज हम मुफ्त की राजनीति से देश और समाज को होने वाले नुकसान का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले राजनीति के इस मॉडल पर छिड़ी राजनीतिक उठापटक की आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। 3 महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 0। ये मुफ्त लैपटॉप 24 घंटे बिजली देना और 0 बिजली 0 बिल देना, ये कोई चमत्कारी है भाई साहब। ये प्रचार की राजनीति जो है ना, ये बहुत सरल राजनीति है, आसान राजनीति है, कोई भी कर सकता है। पढ़ाई की किताबों के लिए, इन सब के लिए हर महीने 2260 रुपए 2260 रुपए की राशि दी जाती है। अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने किताब लिखी है, There is no such thing as a free lunch। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ भी फ्री है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि सरकारें जब भी खैरात में कुछ बांटती हैं तो उसका पैसा जनता को ही चुकाना पड़ता है। फिर भी इस देश में जनता के लिए राजनीति ने फ्री 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 का ऐलान किया हुआ है। जनता खुश है, लेकिन इस पर अब बहस छिड़ गई है। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा, ये फुलफिल हो जाए। आम जनता के लिए चलने वाली जन कल्याणकारी स्कीम्स को लेके उनको फ्री की रेवड़ी कह के आज उनका मजाक बनाने का एक नई राजनीति देखने को आ रही है। निर्मला सीतारमण जी ने इस पर बहुत स्ट्रांग व्यू पॉइंट रखा अपना, कि किस तरह से देश बर्बाद हो सकता है। उन्होंने देश को डराने की कोशिश की कि अगर ये जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहीं, अगर सरकार जनता के टैक्स के पैसे से, पता नहीं उनका डेवलपमेंट का क्या परिभाषा है, बट अगर सरकार जनता के पैसे को सो कॉल्ड डेवलपमेंट में नहीं खर्च करेगी और ये लोगों के वेलफेयर पे खर्च करती रहेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश में बीते कई दिनों से ये बहस जारी है। एक पक्ष कहता है कि फ्री की राजनीति से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरा पक्ष कहता है कि देश की जनता का पैसा जनता पर खर्च किया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि मुफ्त चुनावी वादे गंभीर समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में फ्री के कल्चर पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर बहस होनी चाहिए। मुफ्त की योजनाओं और सोशल वेलफेयर स्कीम के बीच में अंतर समझना होगा। सोशल वेलफेयर स्कीम अपनी जगह पर सही है, लेकिन फ्री की योजनाओं का ऐलान करते हुए नेता कभी ये नहीं सोचते कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देश की राजनीति में फ्री 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 वाले मसले पर वार पलटवार हो रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बीते कई दिनों से इस पर बहस छिड़ी हुई है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे,
देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री राजनीति कल्चर पर सवाल उठाए हैं, तब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। टैक्सपेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्सपेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको वेव ऑफ और राइट ऑफ में फर्क नहीं पता है। आप बोल रहे हैं कि बहुत अमीर साथियों का 10 लाख करोड़ रुपया का जो है लोन मोदी जी ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब माफ कर दिया। अरे राइट ऑफ और वेव ऑफ अलग होता है। जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश वार है तो पलटवार भी है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर नैतिक और अनैतिक की बहस छिड़ी हुई है, लेकिन असल बात तो यही है कि फ्री की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। राज्यों की योजनाओं का हाल बता रहा है कि उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा फ्री की रेवड़ियां बांटने में जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 2021 में राज्यों का सब्सिडी खर्च 11.2% था। 2021 और 22 में ये बढ़कर 12.9% पहुंच गया। अब जरा इस आंकड़े से समझिए कि राज्यों की आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा फ्री योजनाओं में जा रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.10% हिस्सा और टैक्स से होने वाली आमदनी का 30% हिस्सा फ्री की योजनाओं का पैसा भरने में खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश जीएसडीपी का 1.60% हिस्सा और टैक्स से होने वाली आमदनी का 29% हिस्सा फ्री की योजनाओं के पैसे भरने में खर्च हो रहा है। पश्चिम बंगाल के जीएसडीपी का 1.1% हिस्सा और टैक्स से होने वाली आमदनी का 24% हिस्सा फ्री की योजनाओं का पैसा भरने में खर्च हो रहा है। पंजाब के जीएसडीपी का 2.7% हिस्सा और टैक्स से होने वाली आमदनी का 45% हिस्सा फ्री की योजनाओं का पैसा भरने में खर्च हो रहा है। यानी राज्यों की आमदनी का बड़ा हिस्सा जनता को मुफ्त की बिजली, मुफ्त की सुविधाएं देने में जा रहा है और इसके बदले में सत्ता का आनंद लिया जा रहा है। जबकि हकीकत यही है कि देर सवेर ये सारा पैसा जनता की जेब से ही वसूला जाएगा। फिलहाल तो जनसेवकों की बहस इस पर जारी है। पूरे की पूरे देश की गवर्नेंस में अब दो मॉडल सामने आए। एक मॉडल है जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको हर तरह की मदद करते हैं, वो दोस्तवाद का मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, वहाँ पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है। एक टारगेट ग्रुप के लिए काम करना, उसके लिए गवर्नेंस करना, उसके लिए विषय भेजना, ये बेनिफिट है, ये वेलफेयर स्कीम है। मगर जो फ्रीबीज होता है वो गरीब के नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। और सबके लिए समान रूप से अपने बेनिफिट के लिए, मतलब मुझे राजसत्ता मिल जाए, इस उद्देश्य से किया हुआ कार्य फ्रीबी कहलाता है। इसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश। दिनों दिन मुफ्त वाली राजनीति का फैशन बढ़ता जा रहा है और देश इस बोझ में पिसता जा रहा है। राज्य खुद कर्ज में फंसे हुए हैं, खजाना खाली होने वाला है, लेकिन वोट के लिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया भी करना पड़े तो सब जायज है। जरा आंकड़े देखिए। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि आंध्र प्रदेश पर 3,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, मध्य प्रदेश पर 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, पश्चिम बंगाल पर 5,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6,53,000 करोड़ रुपए का कर्ज उस पर बकाया है। ये कुछ प्रतिनिधि राज्य हैं जो फ्री की स्कीम और कर्ज के मामले में अव्वल कहे जा सकते हैं। राज्यों के कर्जे का ब्यौरा आपने देख लिया, अब जरा इनकी स्कीम देखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी
कई मुफ्त योजनाएं चला रहे हैं। इनका इस साल का खर्च 27,541 करोड़ रुपए है। मुफ्त की योजनाओं पर मध्य प्रदेश का 2022-23 का खर्च है 21,000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार फ्री की योजनाओं पर 18,877 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पंजाब सरकार मुफ्त की योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुफ्त की योजनाओं पर देश के सभी राज्यों का खर्च 1,05,550 करोड़ रुपए है। मुफ्त की योजनाएं वोट दिलाने का शानदार और आसान जरिया जरूर है। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल फ्री के वादे करते हैं, उन पर खूब खर्च करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता को ही उठाना पड़ता है। राजनीति वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच मुफ्त राजनीति पर जंग इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि फ्री योजनाओं के वादों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता भी दिला दी है। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल के मिशन गुजरात शुरू हो भी चुका है। वो लगातार गुजरात के दौरा पर लगे हुए हैं, अलग अलग समाज के लोगों से मिल रहे हैं और दिल्ली मॉडल के आधार पर मुफ्त योजना देने का ऐलान भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में सरकार अगर उनकी बनती है तो सबको 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 31 दिसंबर 2021 के पहले के सारे बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दे रहे हैं। आदिवासी गांव में गांव क्लिनिक खोला जाएगा। सरकारी अस्पतालों में सबको मुफ्त इलाज मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई। उनके संघर्ष वाली छवि के साथ फ्री वादों का ऐलान भी सरकार बनवाने में अच्छी खासी मददगार के तौर पर रहा। दिल्ली में इन दिनों हर महीने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। हर परिवार को महीने में 20,000 लीटर मुफ्त पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार 2022 और 23 में फ्री की योजनाओं पर कुल 4,208 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। फ्री की योजनाओं के वादे लेकर अब केजरीवाल गुजरात के मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी का के हाथ से गुजरात को छीनने की कोशिश में निकले हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे राजनीतिक दलों के फ्री वाले वादे भी ऐसे ही बढ़ते जाने वाले हैं, लेकिन ये टैक्स पेयर के पैसे के साथ धोखा है। अदालत ये तय करेगी कि धोखा है कि नहीं। हम भी इस चीज का इंतजार करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।